नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमादित्य द्विवेदी। दोपहर के 3 बज चुके हैं और हम बात करने वाले हैं आज की 3 बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। दुनिया भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। बता दें कि पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में 13 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 3,589 लोगों की मौत बताई जा रही है। वहीं चीन में कल करीब 3100 मामले सामने आए हैं। बता दें कि ये पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा केस हैं। इसके चलते चीन के शेनजेन में लॉकडाउन लगा दिया गया। इसी के साथ यहां रहने वाले 1,07,00,000 लोग घरों में कैद हो गए। उधर शंघाई में भी स्कूलों को बंद कर दिया गया। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। अपने दिल्ली दौरे पर योगी बीजेपी के तमाम दिग्गजों से मुलाकात कर रहे हैं। कल योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तो कई दिग्गजों से मुलाकात की थी। वहीं आज भी सुबह से मुलाकातों का जो दौर है वो जारी है। आपको बता दें, आज योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान से भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इन मुलाकातों के दौर में ही योगी आदित्यनाथ की शपथ ग्रहण की तारीख और योगी मंत्रिमंडल 2.0 के संभावित चेहरों पर चर्चा भी हुई। वहीं बात करते हैं तीसरी खबर की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद योगी सरकार के नए कैबिनेट को लेकर मंथन तेजी से चल रहा है। मंत्रिमंडल के गठन से सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का संदेश देना लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी माना जा रहा है। ऐसे में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन पर चर्चा अभी से शुरू हो गई है और कई की मंत्रिमंडल से छुट्टी भी तय मानी जा रही है। तो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना की जो लहर है एक बार फिर से आई है और ऐसे में उससे दहशत है, दिग्गजों से सीएम की दिल्ली में मुलाकात हुई है, योगी मंत्रिमंडल अब जिस तरीके से तय होना है उसको लेकर के किसके नाम आगे होंगे, तीसरी खबर उससे जुड़ी हुई है। तो आपको बता दें एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। ऐसे में जिस तरीके से शंघाई में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और अब जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक बार फिर से कोरोना की लहर जो है, चौथी लहर, उसका डर अब लोगों को सता रहा है। वहीं दिग्गजों से सीएम योगी की मुलाकात है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की है योगी आदित्यनाथ ने और ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, दिग्गजों से सीएम की मुलाकात हुई है। नितिन गडकरी, अमित शाह, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ साथ कई दिग्गज नेताओं के साथ, कैबिनेट मंत्रियों के साथ योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग की है। जेपी नड्डा के साथ भी उन्होंने मुलाकात की, राजनाथ सिंह के साथ उन्होंने मुलाकात की और ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इन सभी से मुलाकात के तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद योगी सरकार के नए कैबिनेट को लेकर मंथन तेजी से चल रहा है। मंत्रिमंडल के गठन से सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का संदेश देना लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से बेहद जरूरी माना जा रहा है। ऐसे में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन पर चर्चा अभी से शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में जीत के बाद मंत्रिमंडल के गठन को लेकर भाजपा काफी सचेत है। प्रदेश स्तर पर चल रही समीक्षा के खास बिंदु हैं कि भाजपा को एक तरफा जीत कहां और किन कारणों से मिली, तो कमजोर प्रदर्शन वाली सीटों या क्षेत्र के लिए किन बातों को जिम्मेदार माना जाए। दरअसल यह सारी कसरत 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर की है। यह तो परिणाम से सामने आ चुका है कि तीनों कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का यूपी चुनाव में असर डालने के
भरपूर प्रयास के बावजूद पश्चिम यूपी में भाजपा का प्रदर्शन उम्मीद से कहीं बेहतर रहा। बुंदेलखंड और अवध में भगवा खेमा फिर मजबूत रहा, जबकि काशी और गोरखपुर की सभी सीटें जीतने के बावजूद बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश में सपा मजबूत नजर आई। ऐसे में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण भाजपा इस तरह से साधना चाह रही है कि जहां जनता ने भरपूर समर्थन दिया है, वहां के विधायकों को मंत्रिमंडल में प्राथमिकता देकर लोकसभा चुनाव के लिए सहेजे रखा जाए। वहीं जहां पार्टी को ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, तो वहां स्थिति को बेहतर करने के लिए विधायकों को मंत्री बनाकर सकारात्मक संदेश दिया जाए। क्षेत्र के साथ ही यही दृष्टिकोण जातियों के समीकरण पर भी है। ऐसे में तमाम आशंकाओं और विरोधी प्रयासों को नजरअंदाज कर भाजपा के साथ आए जाट समुदाय को भाजपा खुश करना चाहेगी। बड़ी जीत दिलाने वाले पश्चिम यूपी के गुर्जर नजर में हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग प्रदेश में सबसे बड़ी ताकत है, तो इस बार दलित ने भी भाजपा का खूब दमखम बढ़ाया है। पार्टी से भाजपा की नाराजगी की बात परिणामों ने खारिज कर दी है। वहीं कुछ नाम ऐसे हैं जिनको मंत्रिमंडल का संभावित चेहरा बताया जा रहा है। योगी मंत्रिमंडल के कुछ संभावित चेहरे: सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, सतीश महाना, बेबी रानी मौर्य, सूर्य प्रताप शाही, ब्रजेश पाठक, श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थ नाथ सिंह, आशुतोष टंडन, केतकी सिंह, अनुराग सिंह, टी राम, संदीप सिंह, नीलकंठ तिवारी, अनिल राजभर, डॉक्टर महेंद्र सिंह, मोहसिन रजा, असीम अरुण, श्रवण कुमार निषाद, अंजुला माहौर, राजेश्वर सिंह, सुरेंद्र कुमार कुशवाहा, अदिति सिंह, आशीष पटेल, सुनील शर्मा। मंत्रिमंडल के गठन से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का संदेश देना लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी माना जा रहा है। गत दिवस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल की बैठक में इस पर होमवर्क भी किया गया। अब कैसी होगी योगी की कैबिनेट 2.0, किसको जगह मिलेगी और किसका पत्ता कटेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जीएमडी न्यूज के लिए शुभांगी पांडे की रिपोर्ट। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। बता दें कि पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में 13 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। आपको बता दें जिस तरीके से नए केस सामने आए हैं, जबकि आपको बता दें अब तक 3,579 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं चीन में कल करीब 3100 मामले सामने आए हैं। बता दें ये पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा मामले हैं कोरोना के। इसके चलते चीन के शेनजेन में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसी के साथ यहां रहने वाले 1.7 करोड़ लोग अब घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। उधर शंघाई में भी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बात करते हैं, आपको बता दें दूसरी खबर की, उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली पहुंचे हैं, इस समय दिल्ली के दौरे पर हैं और सभी से मुलाकात कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति से भी उन्होंने मुलाकात की, आपको बताया धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की, साथ ही साथ अनुराग ठाकुर से भी वो मिले। और ऐसे में अब जो वो है मंत्रिमंडल है, जिस तरीके से अब दोबारा यूपी में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, तो उस मंत्रिमंडल पर भी चर्चा हुई है। अब औपचारिक ऐलान होना बाकी है कि किस दिन शपथ ग्रहण होगा और मंत्रिमंडल में किसको किसको जगह मिलेगी। ऐसे में चर्चा यह भी है कि 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। जब 2017 में बीजेपी की सरकार बनी थी तो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। और आपको बता दें जिस तरीके से पहली खबर का मैं जिक्र कर रहा था, लगातार जिस तरीके से कोरोना लहर की जो दहशत है अब लोगों के मन में फिर से आ गई है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए हमारे साथ डॉक्टर राज तिलक जुड़ गए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उनका रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर राज तिलक जी, जिस तरीके से कोरोना के अब मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, 13 लाख नए केस आए हैं, ऐसे में चौथी वेव का डर अब लोगों के मन में है।
बहुत स्वाभाविक है जी, होना भी चाहिए, लेकिन अभी स्थितियां स्पष्ट नहीं है। चाइना में भी केसेस एकदम से बढ़े हैं। जो केसेस चाइना में मिले हैं वो तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। भारत में ये वेरिएंट कौन सा है अभी ये स्पष्टतया स्थापित नहीं हुआ जी, लेकिन ये कि इस तरह की लहरें निरंतर आती रहेंगी, शनई शनई उनकी ताकत घटेगी और तभी समापन होगा। और समापन सिर्फ एपिडेमिक का होगा, ये जो महामारी थी कोरोना, हमारे समुदाय बीच में वो हमारे साथ में ही रहने के लिए आया है और यहाँ निरंतर बना रहेगा। जैसे सीजनल फ्लू होता है, सीजनल चिकन पॉक्स या मीजल्स होता है, ठीक इस किस्म से कोरोना के भी केसेस बीच बीच में एंडेमिक तौर पे होते रहेंगे। ठीक है, जिस तरीके से लोगों के बीच में देखा जा रहा है, अभी चुनावी माहौल था, अब जब से नतीजे आ गए, हालांकि अब उतनी भीड़ नहीं जुट रही है, लेकिन क्या एक बार फिर से लोगों को सावधानियां बरतने की जरूरत है और सारे जो कोरोना गाइडलाइंस है उनको पालन करने की जरूरत है? सर वो जरूरत तो कभी खत्म ही नहीं हुई और दरअसल क्योंकि इन सारी बंदिशों को चुनाव काल के अंदर कहीं मार्जिन पर उठा के फेंक दिया गया, ये बड़ा कारण है कि उसके 10-14 दिन के अंदर इस किस्म की एक बड़ी लहर हमारे सामने फिर से आकार लेने लगी। चलिए, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो जिस तरीके से कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है, सबको एक बार फिर से सावधानी बरतने की जरूरत है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की जरूरत है। यहां वक्त एक ब्रेक का, चलूंगे हाजिर, आप देखते रहिए जीएमडी न्यूज। तो बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। अपने दिल्ली दौरे पर योगी बीजेपी के तमाम दिग्गजों से उन्होंने मुलाकात की है। कल योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गजों से मुलाकात की थी। वहीं आज सुबह भी उन्होंने मुलाकात लोगों से की है। वहां पर जब वो पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान से भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। और इसी खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जुड़ गए हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, क्या माना जाए, मंत्रिमंडल को लेकर के इन सभी लोगों से मुलाकात के बाद चर्चा हुई होगी और अब सिर्फ औपचारिक घोषणा होना बाकी है, सिर्फ नाम का अनाउंसमेंट करना है और शपथ ग्रहण का जो दिन है, तारीख है, वह अनाउंस करनी है? निश्चित रूप से जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री से भेंट की, जेपी नड्डा से भेंट की और अमित शाह से भेंट की। जहाँ तक आपने मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा बात की है, तो सभी लोगों से, जो चाहे अनुराग ठाकुर हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, तो सभी से शपथ ग्रहण समारोह की तिथि की तो बारे में जानकारी दी गई होगी कि भाई ये संभावित है और आप तैयार रहिएगा, आपको आना है, जैसे सब लोग कहते हैं। अब फाइनल होना बाकी है, भाई पीएमओ से जिस दिन स्वीकृति मिल जाएगी उस दिन हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक आपने कहा मंत्रियों के, तो मंत्रियों के बारे में जो विचार विमर्श है वो आला कमान के तीन ही लोगों से हो सकता जी, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री अमित शाह से जी, और जेपी नड्डा से जी। ये तीन लोगों से मंत्रिमंडल के सदस्यों के बारे में विचार विमर्श हो सकता है। बहुत ज्यादा अगर विचार हो सकता है तो हमारे प्रदेश के प्रभारी बीएल संतोष से हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से ये तीन लोग हैं। और इन लोगों से निश्चित रूप से बहुत सी बातें हुई होंगी, मंत्रियों के बारे में भी हुई होगी, 2024 को लेकर के कैसे हमको काम करना है इस बारे में भी होगी, इस बारे में भी बात हुई होगी कि क्या कारण है कि हमारी सीटें कुछ कम हो गई, कौन से वर्ग ने हमको वोट नहीं दिया, इस बारे में भी चिंता की बात हुई होगी, और इस बारे में भी चिंता की बात हुई होगी कि क्या कारण है कि बहुत सी सीटों में हमने बदलाव किया उसके बाद भी हमारी जीत नहीं हुई। तो इनके विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई होगी और बातचीत होने के बाद एक दिशा निर्देश भी मिले होंगे और ये भी तय हुआ होगा कि आगे हमको कैसे करना है, हमको क्या प्राथमिकताएं रखनी है। विपक्ष जिस तरीके से हमारे ऊपर हमलावर हो रहा है, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, उसको कैसे हमारा मुकाबला हमको करना है, क्योंकि महंगाई तो बढ़नी है,
यूक्रेन के कारण जो है महंगाई बढ़नी है, तो इन सब बातों पर चर्चा हुई है और लगभग सब कुछ तय भी हो गया है, सिर्फ औपचारिक घोषणा होना बाकी है। ठीक है डॉक्टर रमेश वर्मा जी, जिस तरीके से आगे लोकसभा का चुनाव है 2024 का और बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, और ऐसे में क्या मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी? हर उस वर्ग से एक मंत्री लिया जाएगा जहां पर वोट बैंक उनको नजर आ रहा है। देखिए दो बातें आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखिए जी, कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो या ना हो, जब मंत्रिमंडल बनाया जाता है तो जाति संतुलन, क्षेत्र संतुलन सब का ध्यान रखा जाता है। इस बार अगर आप देखें तो सवर्णों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। ठीक बात, कहा जाता था कि ब्राह्मण नाराज है। हम आपको जानकारी दे दें कि ब्राह्मण का वोट 2017 में 77% मिला था और इस बार बढ़ करके वो 83% हो गया। ब्राह्मणों ने वोट बढ़ करके दिया, ठाकुरों ने वोट बढ़ करके दिया और वैश्य समाज ने दिया। और वहीं दूसरी ओर अगर जो सबसे बड़े आश्चर्य की बात है, जहां पर हम पश्चिम में कहते थे कि जाट नाराज है वहां पर वोट नहीं मिल रहा है, 2017 के मुकाबले बीजेपी को जाट क्षेत्र में भी अच्छा वोट मिला, बढ़ करके मिला जी, और सपा को नुकसान हो गया। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो नया मंत्रिमंडल बनेगा तो इन लोगों की भी भागीदारी को देखेगा। हाँ, जो बीच में कुछ ओबीसी इधर उधर हो गया है, चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे मौर हो, शाक्य हो, लोधी हो, उनका वोट बटा है, तो उनको भी संतुलन करने के लिए, उनका भी संतुलन बनाए रखने के लिए काम होगा। जाट क्षेत्र से भी अच्छा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, इस बात के पूरे प्रयास होंगे ताकि, और ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, डीएमएलसी का चुनाव हो रहा, इसमें जो इनके 11 मंत्री हार गए हैं, ये भी संभव है इनमें से कुछ लोगों को टिकट दे करके इनको जिताया जाए ताकि इनको भी मंत्री बनाया जा सके, क्योंकि जातीय जो संतुलन बनाए रखना है उसके लिए ये भी बहुत आवश्यक है। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, 2024 का जिक्र आप कर रहे हैं और 2024 की अगर बात की जाए, लोकसभा चुनाव पर थोड़ा अगर नजर डाली जाए, पिछली बार 2019 में बीजेपी का उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन था, अभी 58 सीटें विधानसभा की कम हो गई हैं इनकी, खुद अकेले अगर बीजेपी की बात की जाए 312 में 255 मिली है, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा में सीटें मिली थी और इधर अखिलेश की सीटें बढ़ना, समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ना, कहीं ना कहीं लोकसभा की जो सीटें हैं बीजेपी ने जो बढ़त बनाई हुई है, कहीं उसमें भी कमी नजर आ सकती है चुनाव के दौरान? नहीं, लोकसभा के चुनाव में यही तो प्रयास करना है जी। अगर आप यो देखिए कि लोकसभा चुनाव में 2019 की बात कर लीजिए और चाहे 2014 की बात कर लीजिए, 50% 51% वोट मिला है बीजेपी को लोकसभा चुनाव में, लेकिन जब आप 2017 में विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो वहां पर आपको 39% वोट मिलता है, और इस बार जो है वोट परसेंटेज 2-3% बढ़ गया, 41-42% चला गया जी, हम 42 मान लेते हैं, 3% बढ़ा जी जी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में 50% वोट मिल रहा है, तो ये जो 8% वोट है या 9% वोट है इसको बढ़ाने की बड़ी जरूरत है। अच्छा, और इसलिए भी अब चुनौती ज्यादा हो गई है क्योंकि सपा एक मजबूत विपक्ष के रूप सामने आकर के खड़ी हो गई है और उसका भी वोट परसेंटेज बढ़ गया है, जो 28% वोट था उसका वो बढ़ करके जो है 32% पहुंच गया, भले उसका भी 4% वोट बढ़ गया, तो अगर आप यो देखें तो वोट उसका भी बढ़ रहा है, इसलिए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट प्रतिशत बढ़ाना है, वोट बैंक बढ़ाना है, इसलिए क्योंकि 50% वोट चाहिए ये टारगेट लेकर के चलना, ये टारगेट इस बार भी था लेकिन वो अचीव नहीं हो पाया है, हम 8% 7% कम रह गए हैं, ये कैसे अचीव होगा? तो ये मंत्रिमंडल के द्वारा, विभिन्न योजनाओं के द्वारा, कार्यशैली के द्वारा, सुशासन के द्वारा, जो राशन है उसके द्वारा
किया जाएगा और चुनौतियों का सामना करते हुए जनता में ये मैसेज दिया जाएगा कि नहीं भाई, सरकार तो काम कर रही जो इस समय भी है, ठीक है हम झेल लेंगे, महंगाई झेल लेंगे, हाँ। लेकिन हम जनता सरकार के साथ है क्योंकि सरकार राष्ट्र हित में काम कर रही है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के सरकार अब राष्ट्र हित में काम कर रही है। कहीं ना कहीं जो महंगाई मुद्दा था वो पीछे हो गया, बेरोजगारी जो मुद्दा था वो पीछे हो गया, और भी जो असल मुद्दे थे वो पीछे होते नजर आए, और बीजेपी ने एक बार फिर से जीत उत्तर प्रदेश में हासिल की। आपका शुक्रिया डॉक्टर रमेश वर्मा हमसे जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आज अभी तक इतना ही। आप देखते रहिए JMD न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMDNewsFlash।